तो देश का जो स्वर है, 500 वर्षों का तो इंतजार है, ये मोदी जी ने समाप्त करवाया है। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों में पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है, रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी मनाया है, और 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या में दीपावली भी मनाएंगे। तो हमारी तो पीढ़ी है ना, ये जितनी है एक पीढ़ी, ये जितनी पीढ़ी है जो 22 जनवरी 2024 के बाद जन्म लिए, के पहले जन्म ले लिए, वो कहेगी कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे सामने, मेरे अपने सामने अयोध्या में रामलला का भव्य प्रतिमा फिर से विराजमान हुई है, रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। बहनों और भाइयों, हम लोग अपनी पीढ़ी को भी बता पाएंगे, इस लोक को तो बता ही पाएंगे, अपने पूर्वजों के पास जब परलोक में जाएंगे ना, वहां भी बताएंगे कि देखिए आपकी जो आस थी हमने उसको पूरा किया। लोग कहेंगे कैसे आपने किया, कहना मैंने भी एक वोट मोदी जी को दिया था, योगी जी को दिया था, ये विधायक और सांसद जो चुन करके जाते हैं ना, यही मोदी और योगी की ताकत है, और इनके बल पर हमने भी राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान किया है। तो पुणे के भागीदार तो आप हो गए, हर व्यक्ति पुणे का भागीदार हो गया। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो एक ओर इस चुनाव में राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। रामद्रोहियों के स्वर भी आपको सुनाई दे रहे होंगे, कोई कहता है राम मंदिर भारत के अंदर नहीं बनना चाहिए, ये कांग्रेस के बुद्धिदाता है। समाजवादी पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, क्या कहती है समाजवादी पार्टी, कहती है राम मंदिर बेकार बना है। आप मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या वह किसी मस्जिद को कह सकते हैं क्या कि यह मस्जिद बेकार बनी है, क्या उनमें हिम्मत है क्या? वह राम मंदिर पर उंगली उठाते हैं, ये रामद्रोही हैं, क्योंकि इन लोगों ने राम भक्तों पर भी गोलियां चलाई थी। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, और बड़ी बेशर्मी के साथ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम भी करते हैं। आपने दृश्य देखे होंगे बहनों भाइयों, जो पीढ़ी आज 35-40 साल की होगी उसको याद होगा जब 2005 में 2007 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, अयोध्या लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर और सीआरपीएफ कैंप पर, रामपुर पर हमला हुआ था, आतंकी हमले हुए थे, आतंकी हमलों के लिए जो अपराधी पकड़े गए, जो आतंकवादी पकड़े गए, उन आतंकवादियों पर मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के समय वापस लेने का प्रयास किया। और तो धन्यवाद है न्यायपालिका को कि वे आतंकवादी बाहर नहीं छूट पाए, और तब कोर्ट ने टिप्पणी की थी अखिलेश यादव की सरकार पर, कहा था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो और कल इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, ये नई न्यायपालिका मूक दर्शक बनी हुई नहीं रह सकती है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे ये पूछने के लिए आया हूं कि आप रामद्रोहियों को चुनेंगे क्या, आपका वोट रामद्रोहियों को जाएगा क्या,
आपका वोट आतंकवाद समर्थकों को जाएगा क्या? बहनों और भाइयों, जो राम भक्त है उसकी राजनीति राष्ट्र के लिए है, उनकी राजनीति राष्ट्र के लिए है, और जो रामद्रोही है, जो रामद्रोही है उनकी राजनीति परिवार के लिए है। अपने परिवार से ज्यादा नहीं सोच सकते, देखा ना समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दिया, बाकी को नहीं दिया।